So welcome back again. A very special good morning to all of you. And have a good day, dear students. Learners, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 8 जियोग्राफी से लिया गया, जो कि यूनिट 1 रिसोर्सेज. ओके, सो यहाँ पर मैंने इसको उर्दू में लिखा है जरिया. ठीक है ना, जरिए. ओके, तो रिसोर्स का मैं इंग्लिश में डिफाइन करने से पहले आपको बता दूं कि वो हर चीज़ जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो एक रिसोर्स बन जाती है. ओके, वो एक रिसोर्स बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड इज आ रिसोर्स. कोई भी चीज़ जो कि इस्तेमाल की जा सके, ओके, हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और वह हमें सेटिस्फाई करे, उसको हम रिसोर्स बोलेंगे. ओके, मान लो ऑटो रिक्शा, आप उसमें जा रहे हो, अब आप अपनी मंजिल को पहुंच रहे हो, आप सेटिस्फाई हो उससे. ओके, सो ऑटो रिक्शा क्या बना? ऑटो रिक्शा बना आपका रिसोर्स. ओके, मान लीजिए आपको चावल खाने का मन है, आपने चावल खाए. ठीक है ना, चावल भी इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स. ओके, सो यहाँ पर ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, एयर, वाटर, मिनरल्स, मेटल्स, ओके, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके, और एजुकेशन सिस्टम, दीज आर ऑल आर रिसोर्स. ओके, ये सारे रिसोर्स हैं. तो रिसोर्स को हम कैटेगराइज, इसकी जो टाइपें हैं वो हम टाइप्स पढ़ेंगे आज. जो पहली टाइप है नेचुरल रिसोर्स, दूसरी ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स को हम डिफाइन करेंगे, दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन. ओके, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. व्यूअर्स, मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर हम किसी चीज़ को, हवा को इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, इसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ रही. ओके, जैसी हवा है, ऑक्सीजन की मात्रा भी हम ले रहे हैं, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं हम, ये तो आपको पता है. लेकिन इस हवा में हमको ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ रही है, ज़्यादा तरमीम नहीं करनी पड़ रही है. ओके, जैसे हम इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, एयर, वाटर, साइल, मिनरल, एट्सेट्रा. ओके, तो यहाँ पर इसकी हम जो कैटेगराइजेशन इसको कर रहे हैं, इसकी कितनी कैटेगरियाँ हैं यहाँ पर. ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्स को भी हम आगे फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं. ओके, जैसे कि रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल. सो व्हाट इज रीन्यूएबल, आइए आप देखते हैं. रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच गेट रीन्यूड आर रीप्लेनिश्ड क्विकली. सम ऑफ दीज आर, ओके, दिस इज दीज, सम ऑफ दीज और अनलिमिटेड एंड नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटी से जो रिसोर्स कम ना हो और इनका एक अनलिमिटेड स्टॉक हो, फॉर एग्जाम्पल सोलर. ओके गाइस, हम जितनी भी कोशिश करेंगे सूरज की रोशनी को कम नहीं कर पाएंगे. आप मानते हैं इस बात को? अगर हम सूरज की रोशनी को अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज से अगर कम नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये अनलिमिटेड स्टॉक है, ये कभी ख़त्म ना होने वाला स्टॉक है. विंड एनर्जी, ये भी कभी ख़त्म ना होने वाला स्टॉक है. तो इसको हम बोलेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि जल्दी से रीन्यू हो जाए. ठीक है ना, सूरज की गर्मी तो हम ले रहे हैं, हवा भी हम ले रहे हैं, लेकिन वो फिर से जल्दी से बन पा रही है. ठीक है ना, मान लो ये एक अनलिमिटेड स्टॉक है जो कंटिन्यू हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रीन्यूड और रीप्लेनिश्ड. फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. मैं आपको बता दूँ, एक बार हम कोयला निकाल लेते हैं ज़मीन से, क्योंकि उसको हज़ारों साल लगते हैं कोयला को बनने में, क्योंकि देर आर सम प्लांट एंड प्लांट्स एंड सम वेजिटेशन आर देयर एंड सम एनिमल्स आर देयर, जो कि बहुत सालों पहले दब चुके थे ज़मीन के नीचे. ओके, ड्यू टू हाई प्रेशर, ओके, और कंप्रेसिंग, तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो दब के कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन. ओके, तो वो जब कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस तक चले जाते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, तो उससे क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है. लेकिन उसके लिए हज़ारों साल लगते हैं स्टूडेंट्स.
हजारों साल लगते हैं। मान लो एक बार हमने कोयला निकाल लिया तो उसको दोबारा बनने में हजारों साल लगेंगे। पेट्रोलियम हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन इसको भी दोबारा बनने में हजारों साल लगेंगे। ये नहीं है कि ये खत्म हो जाएंगे लेकिन इनको आने में बहुत हजारों साल लगेंगे। मान लो कि किसी चीज़ को 1,000 साल आने में लग रहे हैं तो हमारी किसी नस्लें वहाँ पर गुजर रही हैं उस 1,000 साल में। तो हमें ये देखना है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। यहाँ पर मैंने आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन पढ़ाई। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की टाइप्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का मैंने आपको डिफाइन करवाया यहाँ पे। अब नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी जो है रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल है। यहाँ पर रीन्यूएबल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, नॉन रीन्यूएबल की डेफिनेशन बताई। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट टू होगा, ओके आई टेल यू वन थिंग, दिस इज पार्ट वन, ओके दिस इज पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर, ओके दिस इज पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो अगले चैप्टर में हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक पढ़ेंगे। ओके सो हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।